बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बढ़ते हैं एक वॉइस मैसेज की जानिब। ये क्लास के गुजरांवाला से हैं, मास्टर अरशद साहब। क्या फरमाते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेक साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा इतफाक हुआ था सब्ज़ मंडी जाने का। जी तो पिछले दिनों पता है बहुत अदरक बहुत ज्यादा महंगा, बहुत आसमान को छू रहा था। तकरीबन 1,000 रुपये किलो भी और 1,500 तक भी, 1,200 तक भी गया। ठीक और मैंने उधर मंडी में देखा, वो ना जो है अच्छा था लेकिन छोटे पीस थे, लेकिन वो ठीक मुझे ना बहुत मुनासिब मिल गया। ठीक मैंने कहा यार तोल दो सारा। वो ठीक तकरीबन कोई 2.5-3 किलो हुआ, ठीक तो वो मैं भैंस के लिए लाया हूँ। मैंने कहा कि चलें डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके कि ये अच्छा होता है, इसको रोजाना दूं आपके मशवरे से, या कुछ दिन बाद, क्या कम्बिनेशन लगाऊं इसके साथ, हरी मिर्च का, प्याज का, लहसुन का, और कितनी मिकदार में दूं और कितने दिन दूं मुसलसल, ताकि इसका हाजमा भी और उसकी बाती वगैरह भी फिट रहे। तो ये काइंडली मुझे बता दें, बहुत शुक्रिया। मास्टर साहब, बहुत खुशी हुई है कि आपको सस्ती अदरक मिल गई। आप वो ख़राब नहीं होती, रख लें। और मैं अदरक को इस्तेमाल करवाता हूँ, बल्कि इस वक्त मेरे सामने मैंने छोटे छोटे पीसेस अदरक के ये रखे हुए हैं, और इस वक्त वो थोड़े एक आध पीस मुंह में डाल लेता हूँ, मुझे खांसी रुक जाती है। और मैं जब मेरे अगर लंबे आप प्रोग्राम्स देखेंगे, आप तो नहीं चूंकि जानते मुझे, जब मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ या ZTBL स्टाफ कॉलेज में, तो मेरा 2 घंटे का तो लेक्चर होता ही होता है, और 2 घंटे कम अज कम लोग छोड़ते नहीं हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, वो चलता है 4 घंटे लगातार बोलता हूँ। तो मैंने क्या किया होता है कि अदरक के ही छोटे छोटे पीसेस वो रखे होते हैं, वो मुंह में डाल लेता हूँ, और मुझे ना खांसी होती है ना कुछ और होता है। अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी अल्लाह, मुझे कल 2 दिन से एलर्जी थी, उसका तो खैर मैंने अलहदा टेबलेट ली थी तो ठीक हो गया, लेकिन है कि फिर भी खांसी ज़रा भी नहीं हो रही, क्योंकि मैंने अदरक रखी है। तो मेरी जान, ये ज़रूरी है, बहुत अच्छी चीज़ है, इसका इस्तेमाल इंसान को भी करना चाहिए। जब कभी खांसी हो तो इसका पानी निकाल के शहद में मिला के और थोड़ी सी ऊपर काली मिर्च डाल के तो वो पी लेंगे, तो शहद और अदरक और काली मिर्च से आपकी शह खांसी उसका अजाला हो जाएगा। भैंसों को और गायों को और जानवरों को जब वो प्यास ना लगे, तो मैं ये उनको एक देसी नुस्खा देता हूँ, जिसमें हरी मिर्च, ये हो गई अदरक और प्याज, इनका कॉम्बिनेशन होता है, और वो उससे वो दे देते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो खूब पानी पीना शुरू कर देते हैं। प्यास बढ़ाने के लिए मेरे प्रोग्राम देखें, प्यास बढ़ाने का तरीका और या नुस्खा वो डॉक्टर अशरफ साहब ज़्यादा उस पे जाएं, आपको मिल जाएगा। अब ये तो नहीं है, हो सकता ना कि आपको एक चीज़ सस्ती मिल जाए तो आप ला के फिर फौरन ही ख़त्म कर दें, खराब नहीं होगी, इसको संभाल के रख लें। जब कभी ज़रूरत हो तो आ। और दूसरा ये है कि जो मैंने स्टॉमिक पाउडर दिया हुआ है, उसमें जब पूरा फार्मूला देखेंगे तो उसमें कोई सोंड भी, सोंठ या सोंड दी हुई है, वो 150 ग्राम, और वो इस तरह उसकी जगह ये आप डाल सकते हैं, और उनका स्टॉमिक पाउडर के लिए हाजमे के जो सफूफ है, दूसरी चीज़ें जब डालेंगे तो उसमें ये डाल सकते हैं। ठीक है मेरी जान, और दुआओं में याद रखे, फी मान ला।